मैं इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर वो 10-20-30 हजार कुछ भी लगा के आ रहा है तो ये इंडस्ट्री जो उसको लौटाती है वो करोड़ों रुपए से अधिक की ज्ञान चीजें जिंदगी लौटाती है, वो उसके लायक भी नहीं था। आप ये सोचिए कि अगर आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग ना मिली होती, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग ना जानते, अगर आज आपको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ना लाया होता तो क्या आपकी जिंदगी वैसी होती जैसी आज है? क्या आप वैसे होते जैसे आप आज है? क्या आपका कॉन्फिडेंस वैसा होता जैसा आज आपका कॉन्फिडेंस है? क्या आप वैसे इंसान होते जैसे आज आप हैं? राइट, आपके अंदर जो इंसान पैदा हुआ है, आपके अंदर जो लीडर पैदा हुआ है, आपके अंदर जो सोच पैदा हुई है, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। इस इंडस्ट्री ये पैसों से नहीं मिलती, ये पैसों से नहीं कर, अरे 10 हजार क्या साला, लाख रुपए भी लगाने में डरो मत, अरे लगा। डरिए मत। हमारे हार का सबसे बड़ा कारण है हम पैसा लगवाने में डरते हैं। हमें लगता है ये तो गरीब है, अगर इसका डूब गया तो हमको अरे घंटा बद्दुआ देगा, घंटा बद्दुआ दोगे तुम सलाम को, तुम फेल हो गए तो मैं रीजन, तुमसे हो नहीं पाया तो मैं खराब। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी असफलता के लिए कोई और जिम्मेवार था तो साला जिंदगी भर नहीं 7 जन्म तक असफल रहोगे तुम। मैं कहां से आ जिम्मेवार हूं? एक बात समझिए, आप किसी के भी असफलता के जिम्मेवार नहीं, सिर्फ अपनी छोड़ के। आप किसी के भी असफलता के जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ अपनी छोड़ के। कभी इस दुख में मत जाइए कि मैंने उसका लगवा दिया था और उसका, अरे आपने उसको कुछ दिखा दिया था, उसका राहु केतु साला सब खराब चल रहा है, वो कुछ नहीं होता। आपने काम किया और एक बात याद रखिए, अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में गरीब है, दुख में है, तो क्या वो आपके चलते हैं? क्या आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी गरीबी में? क्या आपने उसे गरीब रखा है? वो अगर गरीब है तो प्रकृति के चलते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के चलते हैं, या फिर ईश्वर या फिर ब्रह्मांड की किसी शक्ति के चलते हैं, या फिर अपनी सोच विचार आदतों के चलते हैं, चरित्र के चलते हैं, ज्ञान के चलते हैं। आपका उसकी गरीबी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर वो गरीब इंसान ईश्वर किसी भी माध्यम से आप तक भेजता है तो आपको यह मानना चाहिए कि ईश्वर मुझे उस इंसान की गरीबी को दूर करने का माध्यम बनाना चाहता है।